अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स माय टुडेज टॉपिक इज फॉर क्लास एट सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश एंड द नेम ऑफ माय टुडेज टॉपिक इज फॉर गॉड सेक होल द टाइम प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में फॉर गॉड सेक होल द टाइम में हमने पढ़ा कि किस तरह दुनिया के मुख्तलि मजाहब बैग बैडिंग की, की मुखालफत करते हैं जैसे इस्लाम या हमने गीता के ज़रिए पढ़ा कुरान शरीफ के ज़रिए पढ़ा या गुरु ग्रंथ साहब जो सिखों की जो होली बुक है या हमने बाइबल में भी पढ़ा कि बैग बाइटिंग जो है इसके क्या मुजर असरत है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉर्ड बुद्धा इन हिस ओ एट फोल्ड पाथ सेज दैट वन रिकर्स लिविंग ए लाइफ बेस्ड ऑन राइट स्पीच लाड बुदा जिसको भगवान बुद्ध भी बोला जाता है वो अपने आठ असूलों में कहते हैं कि एक इंसान जो है उसको अपनी ज़िंदगी दुरुस्त ज़ुबान पर या दुरुस्त अल्फाज पर गुजारनी चाहिए जो सही हो उसके बोल सही होने चाहिए रेबी सैमन बैन गेम लीड वान्स टू तो ही सर्वेंट गो टू द मार्केट एंड बाई मी समिंग गुड टू ईट द सर्वेंट वेंट एंड बोट टैंक रबी सैमन बैन गैमली जो है थे उन्होंने एक बार अपने नौकर से कहा कि आप मार्केट जाओ बाज़ार जाओ और वहाँ से एक कुछ अच्छा लाम खाने के लिए तो सर्वेंट जो था उसका नौकर वो बाज़ार चला गया और वहाँ से वो एक ज़ुबान खरीद लाया ऑन अनदर ओकेजन द रेबी सैट गो टू द मार्केट एंड बाई मी समिंग दैट इज़ नाट गुड तो दूसरी दफ़ा रबी सामन ने अपने नौकर को कहा कि आप फिर से ये बाज़ार जाओ और वहाँ से कुछ ऐसा लाओ जो ठीक ना हो सर्वेंट वेंट एंड बॉट ए टेंग व अगेन तो नौकर जो था रबी सामन का ये फिर से बाज़ार चला गया और उसने वहाँ से फिर से ये क्या किया एक ज़ुबान दूसरी मरतबा ख़रीद लाया दिस टाइम द रबी टू हिम एंग्रीली वट इज दिस मीन वैन ए टोल्ड यू टू बाय समिंग डैट वॉज गुड यू बोथ अ टू बाई सम अगेन रबी सामिन को बहुत गु़स्सा आया जब दूसरी मरतबा उसका जो नौकर था वो जुबान खरीद लाया उसने कहा क्या मतलब है जब मैंने आपको पहली मरतबा कहा कि कुछ अच्छा लाओ खाने के लिए तो उस टाइम भी आपने ये जुबान खरीद कर अपनाई और जब मैंने दूसरी तब आपसे कहा कि कुछ आ, कुछ ऐसी चीज़ ला जो अच्छी नहीं हो तो इस वक्त भी आपने ये ज़ुबान खरीद कर लाई इसका क्या मतलब है सर्वेंट रिप्लाई फ्रॉम द टैंक इश्यूज द गुड एंड ऑल्सो द बैड तो रबी सैमिन का जो ये नौकर था उसने कहा कि ज़ुबान ही से Uh, हम किसी का अच्छा भी कर सकते हैं और बुरा भी कर सकते हैं देर इज़ नथिंग बेटर दैन ए गुड टंग एंड नथिंग वर्स दैन वन यानि एक अच्छी ज़बान से सही ज़ुबान से कोई बेहतर चीज़ दुनिया में नहीं है और जो बुरी ज़बान इवल जुबान जब हम ज़ुबान का गलत इस्तेमाल करते हैं तो उस बुरी ज़बान से कोई और चीज़ बुरी दुनिया में नहीं है इसका मतलब है ज़बान से ही हम जबान का हम सही इस्तेमाल तब करते हैं जब हम दूसरों के लिए अच्छा बोलते हैं जब हम इसका सही इस्तेमाल करते हैं और जब हम जबान से ज़ुबान का गलत इस्तेमाल करते हैं हमारी ज़ुबान से जब गलत अल्फाज निकलते हैं ज़ुबान से हम जब किसी को गाली देते हैं गलत इस्तेमाल करते हैं तो हम ज़ुबान का बुरा इस्तेमाल करते हैं इस वक्त उस जुबान से और कोई बुरी चीज़ नहीं होती है तो प्यारे बच्चों अब हमने देखा कि जिस तरह हम हाथों से किसी के लिए बुरा कर सकते हैं दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं या गलत कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चोरी करता है तो इसी तरह से ज़ुबान से भी हम दूसरों के लिए अच्छा भी कर सकते हैं और बुरा कर कर सकते हैं और बाकी का जो कुछ पोर्शन रह गया इसमें से वो इंशाल्लाह हम Uh, दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे सो थैंक यू